नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2+10। आजमगढ़ जनपद के सगरी तहसील के बासुपार बनकट निवासी मुशीर अहमद का भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन होने से जिले के लोगों में हर्ष व्याप्त है। वह भारत की तरफ से 8 दिसंबर से दुबई में शुरू होने वाले एशिया कप में भाग लेंगे। यहां भारत अपना पहला मैच अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। सगरी तहसील के बासुपार बनकट गांव के नौशाद खान के पुत्र मुशीर अहमद खान का भारतीय क्रिकेट चयन बोर्ड ने अंडर 19 टीम के लिए चयन किया है। मुशीर अहमद इसके पहले रणजी ट्रॉफी में 3 मैच खेल चुके हैं। ऑलराउंडर मुशीर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। हाल में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें वर्ल्ड कप टीम में स्थान दिया गया है। मुशीर अहमद के भाई सरफराज खान भी अंडर 19 क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं और अभी राष्ट्रीय पटल पर धाक जमाए हुए हैं। अब मुशीर के चयन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की इंडिया टीम में इन्हें 6ठे स्थान पर रखा गया है। उनके कोच व पिता नौशाद अहमद ने बताया कि इस समय मुशीर बेहतर फॉर्म में चल रहा है और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लेकर एशिया और वर्ल्ड कप में उतरेगा। मुशीर बेहतरीन ऑलराउंडर है। बल्ले और गेंद दोनों से वह कमाल का प्रदर्शन करते हैं। आप भी देखिए उनके प्रतिभा की झलक। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। प्रेम संबंध होने के साथ मन मुताबिक जगह शादी तय न होने की क्यास के बीच दूल्हा बारात जाने से ठीक पहले गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। उधर जब बारात समय पर दुल्हन के घर नहीं पहुंची तो वहां भी हड़कंप मच गया। आलम यह रहा कि दुल्हन व उसके परिजनों ने थाने पहुंचकर दूल्हे के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। दुल्हन अपने होने वाले दुल्हे के इंतजार में बैठी रही लेकिन दुल्हा तो नहीं आया। फोन आ गया कि वो कहीं फरार हो गया है। ये कहानी किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है बल्कि हकीकत है उस दुल्हन की जो अपने शादी के अरमान लिए हाथों में मेहंदी सजाए अपने पिया के इंतजार में बैठी रही। उसके साथ ही साथ भाई और पिता बारातियों के स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर चुके थे। उनके साथ बारातियों के स्वागत के लिए गांव व रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए थे। मिठाइयां बनकर तैयार थी। शादी में देने वाले बेड सोफा कपड़ा साड़ी व अन्य सामान आकर रखा जा चुका था। बस इंतजार था कि बारात आए और फिर शादी की सारी रस्में पूरी हो। तभी दुल्हन के भाई के मोबाइल की घंटी बजती है और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो खबर आ गई। दरअसल मोबाइल पर दुल्हे के परिजनों ने बताया कि वो कहीं चला गया है। खोजबीन जारी है लेकिन कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहां गया। इतना सुनते ही दुल्हन के घर वालों के होश उड़ गए। लाल जोड़े में तैयार दुल्हन अपने हाथों की मेहंदी देख सिसक सिसक कर रोने लगी। मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र के छितौनी गांव का है।
जहां प्रहलाद प्रजापति की बेटी की शादी महाराजगंज थाना क्षेत्र के अवसानपुर गांव निवासी दुर्गेश प्रजापति के साथ 5 दिसंबर को तय थी। एक साल पहले दोनों की धूमधाम के साथ सगाई भी हुई, उसमें भी काफी खर्च हुआ। अब एक बाप को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। कह रहा है, साहब हम तो बर्बाद हो गए। भाई ने कहा कि सारी तैयारियों में काफी खर्च हो गया, थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर हम जाए तो कहाँ जाए, फिलहाल दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। सभी लोग एक दूसरे को ढांढस बना रहे हैं, दुल्हा कहाँ गया, आखिर क्या कारण था वो गायब हो गया। यह सब जांच के दायरे में आता है। जो भी हो, इस तरह के कृत्य को करने वाले की जांच कर सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, ताकि किसी और के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो सके। आज शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और वहाँ से मतलब बारात हमारे घर पर नहीं आई और बाद में मतलब लोग फोन किए कि बारात नहीं जाएगी, तो हम लोग परेशान हो गए। शादी तय किए थे? शादी वहाँ श्रद्धा बाजार अवसानपुर गाँव। कई साल पहले से शादी तय थी, क्या 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 आपने कार्यक्रम किया इसके बारे में बताइए। साल भर पहले की शादी तय हुई थी और उसके बाद में गोद भराई भी हमारे यहाँ छितौनी गांव में हुई थी। क्या क्या किए थे गोद भराई में, क्या क्या हुआ था सगाई में, क्या क्या हुआ था? अब गोद भराई सगाई में जो होता था, टेंट टेंट था सब जो वीडियो मतलब बना था और मतलब जो हमको देना था उसमें अंगूठी दिए थे लड़की को, अंगूठी जहाँ जब तक बने हमारी औकात थी उसको मतलब हम। कितना खर्चा किए थे लगभग? लगभग कितना खर्चा किए थे? लगभग सब खाना वाना की व्यवस्था 1,00,000 रुपए। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं वो शादी के लिए बताइए। क्या अभी क्या हुआ, शादी नहीं करेंगे, क्या हुआ इसके बारे में बताइए। अब वो कह रहे हैं शादी नहीं हुई है, कहा अरे लड़का जो है कहा नहीं करने को तैयार है, यहाँ भाग गया कहीं मतलब। क्या क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं ऐसे परिवार से। आपका तो बहुत नुकसान हुआ है, देखिए पूरा टेंडर। आप क्या चाहते हैं, मतलब खर्चा कौन बहन करेगा इसके बारे में? हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सब जो खोना था वो खर्च हमने कर दिया, सब सारी व्यवस्था कर लिया है, अब इसी से हम लेकर परेशान है। मैटर ये है, एकाएक हमारे पास फोन आ गया कि लड़का जो है घर से गायब है, आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो हम लोग जो है बहुत अचानक आश्चर्यजनक हो गए। फिर इसके बाद मैं कॉल किया उनको, कॉल करने के बाद ये फिर पता चला कि वो लड़का सुबह आठ बजे से गायब है, लड़का आ नहीं पाएगा। तो मैं इस बात को जब मैं सुना तो मैं जो है सुबह में जो है महाराजगंज थाने पे मैं गया, महाराजगंज थाने में FIR में करवाया और वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या है, शादी कब तय हुई थी, लड़का क्यों एकाएक गया, क्या कारण हो सकता है, शादी कब तय हुई थी, कब अच्छा हुआ था, इसके बारे में बताइए। जी शादी हमारी तय हुई थी 5 दिसंबर 2022 को, 5 दिसंबर 2022 को सगाई भी हुई थी। वहाँ पे हमने जो है खाने पीने का सगाई का सिस्टम हर एक चैन अंगूठी का बहुत भरपूर मात्रा से एक अच्छे तरीके से हम किए थे वहाँ पे हम। क्या कारण हो सकता है कि एक साल बाद लड़का चला गया, क्या लड़के ने कभी आप लोगों से संपर्क किया या कुछ मांग, दहेज की मांग या कुछ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, दहेज की मांग तो लड़के की नहीं थी, बट जो है उनके घर वालों की थी। हमसे जो है फ़ोन करके भी जो है कल के डेट में 4 तारीख में वो बोल रहे थे कि आप जो है हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि आप शादी के दिन आइएगा तो रात को उस समय जो है मैं आपको अच्छे तरीके से मैं जो है पैसा मैं आपको पैकेट करके मैं आपको दे दूंगा। लेकिन क्या क्या व्यवस्था आप कर चुके थे, कितना नुकसान हुआ आप पहले बताइए। अब हमारे यहाँ जो है खाने पीने से सोने तक मिठाई हलवाई टेंट वाले का कॉफ़ी वाले का लाइट DJ हर एक चीज़ का व्यवस्था हमारा पूरा एकदम रेडी है, एकदम रेडी हो चुका था। और हमारा लगभग जो है ईमान के चलिए टोटल देन लेन का सारा खर्चा मिला के हमारा जो है 4 लाख रुपए का हुआ है। तो कारण नहीं पता चला कि लड़का कहाँ गया, लड़का का कभी संपर्क किया आपसे, एक साल पहले सगाई हुई थी, कभी संपर्क किया कि हम शादी नहीं करेंगे ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हमारी बात होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे जो है ऐसा कुछ सूचना हमको नहीं मिला। तो क्या लड़का सही में गायब है कि लड़का पक्ष वाले खुद कह रहे हैं? अब पक्ष वाले सर केवल बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो लड़का गायब नहीं है, उसको जो है दहेज, वो लोग दहेज के कारण हो सकता है उनको दहेज हम उतना दे नहीं पा रहे हैं, तो इस नाते जो है वो लड़कियों के गायब कर दिए।
क्या चाहते हैं आप, क्या कोई कार्रवाई? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो और जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमको मिले। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान आजमगढ़ में आयोजित मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया गया। इस दौरान मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 15 दिवस के लिए लगाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से खादी उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि खादी का रिश्ता हमारे आजादी के लड़ाई से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण के बाद जब वह अपना अध्ययन पूरा करके भारत वापस आए तो उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत ही बल दिया और स्वदेशी के माध्यम से जो अपने देश का कुटीर उद्योग धंधा था उसको बढ़ाया जाना और विशेष रूप से जो भारत के लिए प्रसिद्ध हमारा ढाका का जो मलमल रहा है वह भी हथकरघा के रूप में खादी का ही एक हिस्सा रहा है। जितना महीन कार्य मशीन नहीं कर पाती थी उससे भी ज्यादा महीन कार्य हमारे देश के लोग करते थे। हमारे देश के ढाका का मलमल पूरी दुनिया के भीतर प्रसिद्ध था। उसको जीवंत करने के लिए, जागृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुटीर उद्योग धंधे बढ़े। महात्मा गांधी जी ने चरखे से इसकी शुरुआत किया था और कहा था कि कम से कम अपने दिनचर्या के भीतर एक घंटा आप सूत काटिए जिससे कि स्वदेशी वस्त्र को आप धारण कर सके तथा आत्मनिर्भर बन सके और इसीलिए खादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक परिवेश बनकर आगे की ओर उभरा और हमारे देश के भीतर वह जागृति का एक कारण रहा जो गांव-गांव तक पहुंचा और इसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी दोनों ने इस दिशा में और ज्यादा पहल किया है। गांधी जी कहते थे कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, वह विचार है अपने स्वदेशी का, वह विचार है लोकल को वोकल बनाए जाने का जिससे कि हमारे गांव की जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत दूर दूर तक प्रसारित कर सके और उस दिशा में कार्य कर सके। इसलिए आज यहां मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी मंडलों के भीतर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। इसके उपरांत मंत्री जी द्वारा प्रदर्शनी में लगाए गए प्रत्येक स्टालों का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी प्रभारी पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि इस प्रदर्शनी में सूती खादी, खादी रेशम, खादी पोली, खादी रेडीमेड वस्त्र लेडीज और जेंट्स, हर्बल उत्पाद, अचार मुरब्बे, कॉस्मेटिक्स एवं जूते आदि के स्टाल लगाए गए हैं। साथ ही खादी वस्त्रों पर विशेष छूट भी उपलब्ध है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि मंडलीय ग्रामोद्योग अधिकारी रामकृपाल यादव, अखिलेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अरविंद जायसवाल, सत्येंद्र राय सहित संबंधित अधिकारीगण एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को बल दिया है कि हमको स्वदेशी और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और इस दृष्टि से सभी मंडलों के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में ऐसी एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मंडल स्तर की प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भीतर अपने उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का यहाँ पर सबके जो स्टॉल लगाए गए हैं जिसके माध्यम से यहाँ के आजमगढ़वासी उससे खरीद सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। खादी हमारे देश का एक पुराना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का कारोबार रहा है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुटा रहा। महात्मा गांधी जी ने और इस बात पर बल दिया था कि हमको चरखा को विकसित करके और चरखा के द्वारा सूत कटाई करना चाहिए। भारत का वस्त्र उद्योग पूरे दुनिया के भीतर वो प्रसिद्ध था जो हाथों के माध्यम से होता था। ढाका का मलमल वो कभी भारत का हिस्सा रहा है और इसलिए इसके माध्यम से सबको जागृत किया जा सके। साथ साथ में माटी कला बोर्ड के द्वारा हमारे लोगों को प्रशिक्षित करके और उनको भी विभिन्न प्रकार के टूल्स उनको दिए जाते हैं और 3 लाख रुपए तक का
ब्याज मुक्त जो है उनको धनराशि दी जाती है, जिससे वो अपने कारोबार को आगे की ओर बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना घोषित की और विश्वकर्मा जयंती के ऊपर उसके माध्यम से देश भर में 1,60,00,000 से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार से उस योजना का लाभ दिया जाना है, जिसके भीतर 10 दिनों का उनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण होने के बाद उनको 20,000 रुपये के टूल्स दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें जो है वो 3,00,000 रुपये तक का उन्हें बैंकों से उनको मदद कराई जाएगी और उसको इंटरेस्ट सब्सिडी में 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी उसके भीतर दी गई है। तो इन योजनाओं का लाभ उठा करके ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धंधे खड़े होंगे और उसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जो शिल्पकार हैं, हस्तकार हैं, उनको वहाँ पर उनको रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और यह एक और उनकी आर्थिक संपन्नता खड़ी हो सकेगी। यह एक बहुत सूक्ष्म रूप से यह जो प्रयास किया गया है वह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत देगा। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जब चुनाव आता है तो यूनाइटेड गठबंधन होता है और चुनाव के बाद डिवाइडेड गठबंधन में बदल जाता है। हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर इंडिया गठबंधन के नेता हताश और निराश हो चुके हैं। अब उन्होंने मान लिया है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का है और यह घबराहट उनके दिल में बैठी हुई है, इसीलिए आज 6 दिसंबर की बैठक इंडिया गठबंधन ने स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन मिला है, 2024 में एनडीए की कोशिश 400+ सीटें जीतने की होगी। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार का कारण गिनाते हुए जिले की प्रभारी मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करना, देश के मान सम्मान को धूल धूसरित करने की कोशिश करना, देश की विशेषता को भंग करने की कोशिश करना और देश के श्रेष्ठ लोगों को जो नेतृत्व करते हैं उनके ऊपर हल्की टिप्पणी करना ही विपक्ष की हार का कारण है। उन्होंने कहा कि आज 6 दिसंबर के दिन शौर्य दिवस है। आज ही के दिन अयोध्या में जिन वीरों ने अपनी शहादत दी थी उनको मैं नमन करता हूं। शहीदों का सपना पूरा होने वाला है और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम का मंदिर का लोकार्पण होगा। जिले के प्रभारी मंत्री जिला मुख्यालय स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 6 दिसंबर है और अयोध्या के भीतर जो शौर्य प्रदर्शन देशवासियों ने किया और उसके भीतर शहीद हुए, मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी शहादत का अब दिन जो है, जो उस दिन के लिए उन्होंने आत्माहुति दी, अब उनका सपना और उनका संकल्प पूरा होने वाला है और अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भीतर भव्य और नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये हमारे लिए आज का 6 दिसंबर उन वीर पुरुषों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने का अवसर है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा IINDIA का, IINDIA जो है वो जब चुनाव आता है तो यूनाइटेड और चुनाव ख़त्म हो जाता है तो डिवाइडेड। अभी जब 3 राज्यों के चुनाव हुए उसके परिणाम हो गए तो अब उनकी का हौसला आधा तो हौसला पस्त हो चुका है और उन्होंने मान लिया है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का और फिर से नरेंद्र मोदी का है और ये घबराहट उनके दिलों में बैठी हुई है, इसलिए जो है वो उस आहट से परेशान है और बैठक उन्होंने अपनी टाल दी। 400+ रहेगा 2024 में, ये तो कोशिश होगी कि 400+ हो जाए। ठीक सर, ठीक। करना ही चाहिए, जो उठपटांग वो बोलते रहते हैं सनातन धर्म के ऊपर, भारत के मान बिंदुओं को जब वो धूल धूसरित करने की कोशिश करते हैं, जो देश की विशेषता है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर उनको ज़रूर अपना और देश के श्रेष्ठ लोगों को जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके ऊपर हल्की टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें जरूर उसके बारे में समीक्षा करनी चाहिए। आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने ARTO प्रशासन तथा ARTO प्रवर्तन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया है।
इस मामले में अनुराग सिंह निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली के वाहन का चालान एआरटीओ ने 10 मार्च 2023 को कर दिया था। अनुराग सिंह ने इस सीजेएम कोर्ट नंबर 10 में इस चालान को खत्म कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2023 को एआरटीओ से इस विषय में चालानी रिपोर्ट तलब किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद एआरटीओ कार्यालय से चालानी रिपोर्ट न्यायालय में नहीं भेजी गई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अभी तक चालानी रिपोर्ट नहीं आई है। मामले की सुनवाई कर रहे एसीजेएम कोर्ट नंबर 10 देवेंद्र प्रताप सिंह ने स्थिति गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ के कृत्य को अदालत के आदेश के अनुपालन में उदासीनता और लापरवाही का होना पाया। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एआरटीओ समय अवधि के भीतर चालानी रिपोर्ट न्यायालय भेजने के लिए बाध्य है, इसलिए एआरटीओ प्रशासन तथा एआरटीओ प्रवर्तन एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे और बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। अदालत में इस आदेश की कॉपी संभागीय परिवहन अधिकारी को भी भेजने का आदेश दिया है कि वह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की कोई लापरवाही न हो। बुधवार को तमसा प्रेस क्लब में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह थे। इस दौरान आजमगढ़ जनपद के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव अनिल यादव, महासचिव अवधेश सिंह एवं प्रदेश सचिव संतोष कटाई का जनपद प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। कांग्रेसियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक और विद्वान थे। उनका पूरा जीवन जातिवाद को समाप्त करने और गरीबों, दलितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित था। आज वर्तमान सरकार लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस नई रणनीति से आगे बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। सभी लोग यह जानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही तानाशाही बीजेपी सरकार से लड़ने में सक्षम है। इसीलिए अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तमाम अन्य दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में त्रिभुवन दुबे, कौशल कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, रण बहादुर सिंह, बेलाल अहमद, मुन्नू यादव, तेज बहादुर यादव, मनोज कुमार सिंह, अजीत राय, रविकांत त्रिपाठी, ओमकार पांडे, महिला मोर्चा की सदस्य व अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो नए पदाधिकारियों की सूची आई है, उसमें आजमगढ़ से श्री अनिल यादव जी को महासचिव, श्री अवधेश सिंह जी को महासचिव और संतोष कटाई जी को सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं समझता हूं कि आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विशेष तौर पर महत्व दिया है। अनिल यादव जी महासचिव संगठन का काम देख रहे हैं और ये दोनों पदाधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो आज कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आजमगढ़ जिला के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों का स्वागत किया है। हम सबको पूरा भरोसा है कि इनके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये सब लोग अपनी पूरी क्षमता का योगदान करेंगे उत्तर जो प्रदेश में संगठन को खड़ा करने में और जनता के जो सवाल हैं उनको लेकर संघर्ष करने में। न सिर्फ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे बल्कि आजमगढ़ की प्रतिष्ठा को भी प्रदेश के अंदर स्थापित करने का काम करेंगे। तीन राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद भी किस तरह से स्टैंड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में 2024 का बेहतर कर सकते? देखिए, हमारे नेता ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और जिस प्रकार से धन बल का इस्तेमाल करके झूठे वायदों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर रहते हुए जो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार के चुनाव को कैंपेन उन्होंने किया, तो कांग्रेस पार्टी हारी जरूर है, हम नंबर के उसमें पीछे रहे हैं, लेकिन हम विचारधारा की लड़ाई में आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कहीं भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। आज आप देख सकते हैं जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है अपने पदाधिकारियों के स्वागत के लिए, ये हमारे अंदर, हम इस हार से निराश नहीं हैं,
बल्कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और ताकत के साथ इस सांप्रदायिक ताकतों से, जातिवादी ताकतों से और जो देश के अंदर जो गरीबों का उत्पीड़न करती है ऐसी ताकतों से हम संघर्ष करेंगे और आने वाले चुनाव में 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में